1988 में रिसर्चर मैसियर फोर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मैसियर फोर जो कि एक ग्लोबुलर क्लस्टर है जो बहुत से स्टार्स के ग्रुप से बनता है, इसमें हजारों से भी ज़्यादा स्टार्स होते हैं। ये एक गैलेक्टिक कोर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। स्टार्स के पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं और गैलेक्टिक कोर के चारों ओर रिंग बना लेते हैं। इनकी डेंसिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा होती है। यह 1988 में साइंटिस्ट M4 क्लस्टर में मौजूद एक पल्सर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसका दूसरा नाम PSR B162026A है। ये हमारी अर्थ से लगभग 12,400 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, और हाईली मैग्नेटाइज होने की वजह से ये रेडियोएक्टिव बीम को एमिट करते हैं, और इस वजह से ये घूमता हुआ लाइट हाउस जैसे प्रतीत होते हैं। पल्सर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये एक सेकंड में ही 2 से 3,000 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। जब इनकी रेडिएशन बीम अर्थ की तरफ रोटेट करती है तो हमें इन्हें देख पाने में आसानी होती है। इनके इसी पल्सिंग इफेक्ट की वजह से इन्हें पल्सर कहते हैं। इनकी लाइट जब अर्थ पर आती है तो अर्थ तक पहुंचने की उसकी एक टाइमिंग होती है, लेकिन कुछ समय से ये अपने टाइम पर नहीं पहुंच रही थी। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और उन्हें पता चला कुछ तो ऐसा है जो इसे ऑर्बिट कर रहा है। जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो इसे एक नहीं दो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे थे, जिनमें से एक वाइट ड्वार्फ WDV162026 था। इसका यहाँ पर मौजूद होना नॉर्मल था, ये एक मीडियम साइज के स्टार से बना था, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसका यहाँ पर मौजूद होना नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो एक प्लैनेट था और उसका नाम था मैथुसेला। इस सीनियर सिटीजन को हम PSR B162026B के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जेनेसिस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये पल्सर के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये हमारे यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है, जिसकी एज लगभग 1270 करोड़ साल है, जो हमारी अर्थ की एज से दुगने से भी ज़्यादा है। अर्थ की एज लगभग 450 करोड़ साल है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो इस क्लस्टर में अकेला मौजूद है। इस बिग बैंग के लगभग 100 करोड़ साल बाद ही जन्म ले लिया था। बिग बैंग जो कि 1370 करोड़ साल पहले हुआ था, इसके बाद ही हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। जब हमारे साइंटिस्ट ने चेक किया तो इसका मास हमारे जुपिटर के मास से भी 2.5 गुना ज़्यादा था, जो प्रूव करता था कि एक प्लैनेट है। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि आज तक किसी भी क्लस्टर के अंदर कोई प्लैनेट नहीं मिला है, क्योंकि क्लस्टर के अंदर किसी भी प्लैनेट की फॉर्मेशन हो पाना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये कि M4 की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से कोई भी प्लैनेट इसके अंदर नहीं बन सकता। किसी भी प्लैनेट का जन्म एक स्टार्स के जन्म के वक्त उसकी डिस्क से निकले धूल और गैस के जरिए होता है, और ये प्रोसेस ही स्टार्स के बनने के तुरंत बाद होना स्टार्ट हो जाता है। एक स्टार्स और उससे बने प्लैनेट दोनों की एज सेम होती है, जिससे पता चलता है कि M4 क्लस्टर की एज उस स्टार्स के बराबर ही थी, जो कि 12.7 बिलियन ईयर्स थी। इससे पता चलता है कि ये उसी समय बना था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के बाद ही हाइड्रोजन हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट बने थे, लेकिन एक प्लैनेट को बनने में हैवी एलिमेंट्स के साथ साथ लाइटर एलिमेंट भी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन हीलियम से ही स्टार्स बना था, और उन स्टार्स के ख़त्म होने के बाद ही हैवी एलिमेंट्स का जन्म हुआ था। लेकिन इस प्लैनेट के बनने की वजह से ये थ्योरी गलत प्रूव होती है। इसी से ये पता चला कि 12.7 बिलियन ईयर्स पहले ही हमारे ब्रह्मांड में हैवी एलिमेंट मौजूद थे। मैथुसेला बाइबल के एक करेक्टर का नाम था, जो बाइबल में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहा था, जिसकी एज 969 ईयर्स थी। इसी वजह से इस प्लैनेट का नाम मैथुसेला पड़ा। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।